हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है संडे और रात के बज गए हैं 10:15, और अब बस हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी खाना नहीं हुआ है, सिर्फ हम सो के मोबाइल देख रहे हैं। चलिए, अब सुबह का काम अभी ख़त्म कर लिया जाए। किचन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। शाम को थोड़ा बाहर चले गए थे हम लोग, इसी कारण सब ऐसे हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले किचन की सफाई कर लेते हैं। तो देखिए, मैं हूँ अपने किचन में, अपने किचन को क्लीन करती हुई। तो देखिए, साफ सफाई का काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह को उठने पर बस झाड़ू लगाने का काम रहे और उसके बाद चाय बिठाने का, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा उठने में आलस तो लगता ही है, साथ में थकान भी रहता है। ये सब काम रात को कर लेने से बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। तो देखिए, मैं ये सारे काम तो रात में कर ही लेती हूँ, बस एक झाड़ू नहीं करती हूँ। देखिए, अभी खाने वाला काम बाकी है, तो मैं वही कर रही हूँ। तो देखिए, मैं कर रही हूँ अपने गैस चूल्हे की सफाई, और ये कुछ बर्तन वगैरह थे जिनको मैंने निकाल दिया है धोने के लिए। और ये नीचे आटा रखती हूँ, तो आटा सानते वक्त थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो लास्ट में उसी को साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। कपड़े से साफ़ करने के लिए कहते हैं कि साफ़ कर सकते हैं, बट झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, ये बर्तन रात को धो लेने से सुबह बहुत आराम रहता है। इसमें ज़्यादातर चाय वाले बर्तन ही हैं, क्योंकि आज संडे था, तो संडे के दिन मैं नमक वगैरह नहीं खाती हूँ, तो उपवास जैसा ही रहता है, तो ज़्यादातर दिन में चाय वगैरह ही पी लेती हूँ। तो वही चाय के बर्तन वगैरह हैं। शिवम के पापा अभी खाना नहीं खाए हैं, कुछ काम कर रहे हैं ज़रूरी। देखिए, बर्तन धुल गए हैं, अब मैं उनको एक साइड कर रही हूँ। तो देखिए, ये बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, अब बस काम बच गया है कुछ ज़रूरी, जो हर रोज़ रात को मैं करती हूँ। आपने टाइटल पढ़ा था, मैंने उसी के बारे में लिखा था। देखिए, बर्तन वगैरह सब मैं साइड कर रही हूँ। एक बर्तन स्टैंड की बहुत ज़रूरत है, सोच रही हूँ लेने के लिए। तो देखिए, रात का काम लगभग ख़त्म हो गया है, किचन की सफाई भी हो गई है और बर्तन भी धुल गए हैं। अब चलती हूँ शिवम के पापा को खाना देने के लिए, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठना भी है। वैसे तो डेली उसी टाइम में उठते हैं, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता है। देखिए, मैं उनका खाना निकाल रही हूँ। आज अकेले ही खाएंगे, क्योंकि मैंने शाम को ही खा लिया था, सूरज ढलने के बाद नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए, गर्मी बहुत है, तो नाश्ते खाने और रात के खाने में खीरा का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है। यहाँ बिहार पटना में बहुत गर्मी पड़ रही है। अगर आप इधर से हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये शिवम के पापा अपना कुछ कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे बैठ के, मैंने उन्हें खाना दे दिया, और अब देखिए मैं उन्हें पानी दे रही हूँ। देखिए, वो खाना खा रहे हैं, तब तक चलिए मैं भी बैठ कर थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लेती हूँ। शिवम सो गया है मोबाइल देखते देखते। बच्चों को कितना भी मना करो, मानते नहीं हैं, चुपके इधर उधर से ले ही लेते हैं। तो देखिए, इनका खाना हो गया है, अब इन्होंने कहा कि थोड़ा सा चम्पी कर दो सर में ठंडे तेल से। तो देखिए, मैं वही चम्पी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चम्पी की ज़रूरत सभी को पड़ती है। तो देखिए, ये काम ख़त्म, मैंने आपको बताया था अपने टाइटल में। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ क्या सभी को लगभग करना चाहिए, कहते हैं कि रात में एक बाल्टी पानी भर करके रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, और एक बाल्टी सुबह को ठीक सूरज निकलने के पहले भर के रख देना चाहिए। तो मैं वही रात में एक बाल्टी भर के रखती हूँ, और अब चल रहे सोने।
और देखिए ये सुबह हो गई, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, यानी कि 5:15। मेरी घड़ी 15 मिनट फास्ट है, तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और अब मैंने बताया था वो दूसरी बाल्टी भरने के लिए, तो देखिए मैं दूसरी बाल्टी भर के रख रही हूँ। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो ये दो काम मैं ज़रूर करती हूँ। हर दिन करूँ या नहीं करूँ, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को ज़रूर करती हूँ। तो ये सोमवार की सुबह है, यानी आज की ही सुबह है। देखिए मैंने पानी चला दिया है और इधर आकर अपना चेहरा धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, बाहर रोशनी हो रही है लेकिन अभी सूरज नहीं निकले हैं। तो देखिए पानी भर गया है और मैं उसी पानी में से एक मग पानी लेकर के अपने घर का मुख्य दरवाज़ा है उसको हाथ से ही धो देती हूँ। सबसे पहले उसी को साफ़ करती हूँ। कहते हैं सुबह का टाइम लक्ष्मी माता का टाइम होता है, वो सुबह सुबह आती हैं तो उनको जहाँ सफाई दिखती है वो वहाँ पर ज़रूर जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें मायके और ससुराल दोनों में होती हैं। तो देखिए मैंने कर दिया और अब मैं जा रही हूँ छत पर। सूर्य भगवान निकल गए हैं उनको प्रणाम करने और फूल पौधों को थोड़ा सा देखने और थोड़ा सा फूल तोड़ने। तो देखिए सूरज भगवान निकल रहे हैं और ये देखिए छत पे कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। जैसे जैसे धूप निकलता है वैसे वैसे फूल खिलते जाते हैं। काफ़ी अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही थी छत पर, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर छत पर ही टहल लेती हूँ। अभी ना शिवम उठे हैं ना उसके पापा उठे हैं, तो मैं अकेले ही सुबह छत पर टहल रही हूँ। देखिए कितनी शांति है, ज़्यादातर इधर लोग लेट से ही उठते हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं और ये गुलाब का प्यारा सा फूल। तो अब चलिए घर में चलते हैं, नाश्ता पानी बना ले पहले ही। तो देखिए मैंने भिंडी साफ़ करके रख दी है, इसे बाद में काटूंगी, तब तक झाड़ू वगैरह कर लें। तो देखिए मैं कर रही हूँ झाड़ू, ये देखिए ये मेरा बालकनी वाला रूम है। और ये देखिए अब मैं आ गई हूँ अपने हॉल में, हॉल की सफाई करने। देखिए अंदर करूँ, उसमें सोए हैं सीओम और उसके पापा। गर्मी का दिन है इस कारण धूल बहुत जल्दी घर में भर जाता है, तो दिन में 2-3 बार झाड़ू हो जाता है। तो देखिए अब ये झाड़ू वगैरह का काम भी ख़त्म हो गया है और अब झाड़ू करने के बाद मैं चलूँगी किचन में चाय बनाने, क्योंकि जब तक चाय नहीं मिलेगा दूध वाला तब तक शिवम के पापा उठेंगे नहीं। ये थोड़ी सी ख़राब आदत हो गई हम दोनों की, सुबह सुबह हम लोग दूध वाला चाय ही पीने लगते हैं, इससे एसिडिटी वगैरह का डर रहता है, बट आदत हो गई है। तो देखिए मैंने एक तरफ चाय बिठा दी, एक तरफ दूध बिठा दिया है और चाय में मैं डाल रही हूँ अदरक। ये अदरक वाली चाय है, बिना अदरक की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए ये हो गया, अब मैं भिंडी का सब्ज़ी बनाने वाली, तो उसका मसाला पहले तैयार कर लेती हूँ फिर भिंडी काटूँगी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से लहसुन, एक्चुअली लहसुन ख़त्म हो गए हैं तो जितने हैं मैं वही डालूँगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी, जो भी मसाले हैं धनिया पाउडर है, खड़ा जीरा मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इन सब का मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए मैंने सारे मसाले अब इसमें डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी और ये मैंने ढक्कन लगा करके अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तब तक मेरा चाय भी हो जाएगा। देखिए मसाला पिस गया है और ये चाय भी रेडी हो गई है। चलिए अब इस सबसे पहले इस चाय को छान लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बिना चाय पी अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए मैंने 2 कप निकाला है, हम दोनों को आदत है बड़े वाले कप में चाय पीने की, तो छोटे वाले से हमारा काम नहीं चलता है। तो देखिए मैं जा रही हूँ उसे उनके पापा को जगाने चाय के लिए, उनको चाय देकर के मैं चल रही हूँ बालकनी में ठंडी हवा में चाय पीने। देखिए चाय पी लिया है मैंने, अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि इसकी बनानी है मसाले वाली सब्ज़ी।
मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तो देखिए ये सारे काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद लास्ट में नहाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो नहाकर ही खाना बनाना चाहिए कहते हैं, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। देखिए शिवम उठ गए हैं और आए हैं दूध और पानी के लिए। तो चलिए अब मेरी भिंडी, मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसको फ्राई कर लिया है और अब मैं डाल रही हूँ मसाला भुनने के लिए तेल। मैंने उसमें पंचफोरन डाले हैं और अब मैं ये डाल रही हूँ पिसा हुआ मसाला। इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी और जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं इसमें ये भुना हुआ भिंडी ऐड कर दूँगी। फिर दोनों को साथ में काफ़ी देर तक पकाएँगे। देखिए मैंने मसाला और भिंडी को दोनों को साथ में भूनना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे भिंडी काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने बीच से चीरा नहीं लगाया है वरना टूट जाती है। छोटे छोटे काट दिया है बस, तो मसाले अच्छे से उसके अंदर चले जाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे मैंने सब्जी को पका लिया है अच्छे से। देखिए हमारी भिंडी सॉफ्ट हो गई है कितनी। तो देखिए भिंडी रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिएगा। आपने देखा कि मैंने आज दो ऐसी चीज़ें बताई जो मैं रोज़ करती हूँ, हम सभी को करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो तो इसको करना चाहिए। बड़े बूढ़े लोग कहते थे, अभी भी होता है हमारे यहाँ ऐसा कुछ कुछ जिससे लक्ष्मी माता खुश होती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इसका कोई फ़ायदा होता तो आप भी ज़रूर करके देखिए। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को बाय बाय।